जब उन्होंने उनके जब अब अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब थे, लेकिन उनको जब मुश्किल वक्त 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे, क्या क्या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, लोगों ने मजाक उड़ाया, जलील किया, ऑस्ट्रसाइज किया। तू की समझा चार दो महीने तू हैडा पेपर फिर हुजूर के बारे तू लफ्ज बोलिया, लफ्ज ऐ वजह बोलिया जेड़ा तू सब तो बड़ा जलील है कायनात, तू सब तो बड़ा जलील है, क्यों जी अजलुल अजले तू, हां जलीला तू भी तू बड़ा जलील है, हां जी तू हुजूर के बारे जी गुफ्तगू करना तैनु कोई समझ है, ये सरी तौहीन है, इहदे च कोई तावील नहीं हो सकती, हाँ जी कोई दुनिया का मौलवी ये तावील कर ही नहीं सकता, इस वास्ते कि तौहीन का जो लफ्ज है ना दारो मदार होता उर्फ उत्ते उस मुआशरे उत्ते साढ़े मुआशरे में यह जो लफ्ज है ना लफ्ज जलील ये कोई बंदा भी इसकी तावील नहीं कर सकता कि बंदा प्यो नू कवे जलील ते अगो कवे जी मेरी मुराद सी मेरे अब्बा जान, तावील कर सकता कोई कहंदा जलीला प्यो नू बंदा कवे ओ जलीला ते की कवेगा मैं की कह रहा अब्बा जी, मां नू कवे ओ जलील, उस्ताद नू बंदा कवे ओ जलील, इमाम अपने नू बंदा कवे ओ जलील, अफसर अपने बंदा कवे ओ जलील, कोई तावील करेगा नहीं, सर सर मेरी मुराद सी तुहाड़े तो वड्डा तो नेक ही कोई नहीं, उन्हें तो उस वेले जुत्ती ला के मुंह ला देना, इसकी तावील हो ही कोई नहीं सकती, हाँ ये उर्फ उत्ते साढ़े उर्फ च लफ्ज़ जलील जड़ा है ये तौहीन वास्ते, किसी कोई तकलीफ है तो असं हाजिर हाँ, जेडे कोई चमचे कड़छे हैं, हाँ जी पहले इस समझाया करो भाई हजूर के बारे गल करनी क्यों जी, ये लजूमे कुफर होया तेरे उते, हाँ फौरन कौम के सामने जिमें तू अरस्तू बने होया सी ना अरस्तू जी ए जी एन जी बड़ी टेक्नोलॉजी बयालोजी जी तू बयान जिमें तू अरस्तू बने होया सी ना उन जे अरस्तू बन के कौम के सामने माफी मांग, हाँ कौम के सामने माफी मांग, हाँ असं तेन गल कर रहे हैं, हाँ इस तो अगला भी एक दाम हो जाना है।